तो फाइनली बिहार बोर्ड द्वारा इंटर में एडमिशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अभी अभी लिंक जो है बिहार बोर्ड द्वारा ऐड कर दिया गया है। आप सभी को कहाँ से और किस प्रकार से जो है इंटर में एडमिशन लेना है, अगर आप लोग 10th पास कर चुके हैं, अगर आप इंटर में एडमिशन लेने वाले हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते तो आपको कोई भी साइबर कैफे, कोई भी दुकान या वसुधा केंद्र की जो है चक्कर काटना आप सभी को नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में मैं एक स्टूडेंट का शुरू से लेकर अंत तक जो है, यानी कि शुरू से लेकर प्रिंट तक की मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ में यहाँ पर करके मैं दिखाने वाला हूँ। एक स्टूडेंट का जो यहाँ पर मैं आप सभी को अप्लाई करके मैं दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो आप लोग अपना फॉर्म जो है स्टेप बाय स्टेप जो है फिलअप कर पाएंगे। कौन कौन से गलती जो इसमें नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है और यहाँ पर अभी अभी जो यहाँ पर लिंक को एक्टिव किया गया है, जिसे मैं आप सभी को पता है कि कल के डेट में जो है ऑनलाइन स्टार्ट किया जाना था, लेकिन कल देर शाम तक जो है लिंक को एक्टिव नहीं किया गया। फाइनली अभी अभी जो यहाँ पर आज जो है 23 जून हो गया, आज जो यहाँ पर लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। तो आप सभी को चलिए मैं लाइव प्रूफ में यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके मैं दिखाता हूँ। आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं मोबाइल से ही एक स्टूडेंट को फॉर्म फिलअप करके मैं आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, आपको जो है अपने फ़ोन में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च कर देना है। जिस आपको क्या करना, आपको क्या करना है, सर्च टाइप में सरकारी सेंटर लिखकर सर्च कर देना है। जैसे सरकारी सेंटर लिखकर सर्च करेंगे, सरकारी सेंटर आएगा, सरकारी सेंटर पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो एडमिशन का सेक्शन यहाँ पर दिखेगा, इस पर जो आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो पोस्ट है यहाँ पर इंग्लिश वाला पोस्ट है, यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा ये पोस्ट जो यहाँ पर इंग्लिश में ओपन होगा। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको नीचे वाला पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन होगा। यहाँ पर लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, आपको शुरू से लेकर अंत तक पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद ही एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिंक को एक्टिव कर दिया गया है, आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, आपको लिंक वन पर जो है क्लिक करना है। जैसे लिंक वन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आपको इस टर्म एंड कंडीशन को जो है ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद जो है नीचे आना है। जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स जो है देखने को मिल जाएगा, अगर आप पूरा पढ़ लिए तो आपको इस बॉक्स को टिक करना है और आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें, इस पर जो है आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। जैसे मैं देख सकते हैं कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि इंटरमीडिएट जो है फॉर एडमिशन टू इंटरमीडिएट कोर्स सेशन 2022-24 का जो यहाँ पर लिंक ओपन हो गया है। आपको सबसे पहले जो यहाँ पर जो है विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आप किस बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं यानी कि जो है उस बोर्ड का नाम जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आपको फर्स्ट में एक नंबर पर है BSEB बिहार, यही जो है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप दूसरे स्टेट से दूसरे बोर्ड से पास किए तो यहाँ पर सारा का सारा जो है देखने को मिल जाएगा, CBSE ICSE यहाँ पर सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बिहार बोर्ड से एक स्टूडेंट जो है बिहार बोर्ड का एक स्टूडेंट का जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है अपने किस साल जो है परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि किस वर्ष जो है आप लोग मैट्रिक पास किए। बहुत सारे ऐसे होते हैं 2019 में 2020 में 2021 में पास किए होंगे, वे जो है हो सकता है यहाँ पर साल भर एक साल जो है एडमिशन नहीं लेते, एक साल लेट हो जाता है। तो यहाँ पर जो अपना ये जो है जिस वर्ष पास किए वे जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये स्टूडेंट 2022 में मैट्रिक पास की है, तो यहाँ पर मैं 2022 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है 18/5/2007 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 18/5 यहाँ पर मैं सेलेक्ट फटाफट से कर लेता हूँ। आपको सेम इसी प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर रोल कोड जो है अपना जो भी होगा स्कूल का रोल कोड जो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो है इस बॉक्स में रोल नंबर जो है डालना है, जो भी आपका रोल नंबर होगा आपको इस बॉक्स में रोल नंबर डाल देना है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद जैसे फिलअप करेंगे और यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सारा डिटेल जो है प्लीज वेट, देखिए जैसे यहाँ पर रोल कोड रोल नंबर डाला, यहाँ पर जो स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम यानी कि फादर्स एवं मदर्स का नाम जो यहाँ पर शो कर दिया, ऑटोमेटिक जो यहाँ पर फिलअप हो गया। अब आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करना है, पासपोर्ट साइज जो है यहाँ पर फोटो एक अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर फोटो रखा हूँ तो यहाँ पर फटाफट से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको PDF फाइल में नहीं अपलोड करना है, GPG और JPEG फाइल में जो है अपलोड करना है। उसके बाद जो है आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको कितना अंक आया होगा यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है रोल कोड रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो ऑटोमेटिक सारा चीज़ जो यहाँ पर
सारा फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 276 अंक है यहाँ पर। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर स्कूल भी यहाँ पर ऑटोमेटिक जो यहाँ पर फिलअप हो गया। अब यहाँ पर विद्यालय का पता जो है यहाँ पर डाल देना है, यानी कि एड्रेस डाल देना है। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स में जो है स्कूल का पता डाल देना है, जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हैं उस स्कूल का नाम जो है यहाँ पर, यानी कि उस स्कूल का एड्रेस इस बॉक्स में फिलअप कर देना है। उसके बाद आपका जिला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने किस साल उस विद्यालय छोड़े थे यहाँ पर ऑटोमेटिक जो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपने किस साल उस विद्यालय में नामांकन लिया था यहाँ पर आप सभी को डाल देना है। तो आप 9th में एडमिशन लिए होंगे 9th क्लास में, तो आप जैसे 2022 में पास किए तो 9th क्लास में आप 2020 में ही एडमिशन लिए होंगे उस स्कूल में। तो यहाँ पर मैं 2020 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है स्कूल में जो है एडमिशन लिए यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2021 भी आ रहा है, 2020, 19, 18 इस प्रकार से आप जो भी आप जिस भी वर्ष जो है उस स्कूल में एडमिशन लिए यहाँ पर सेशन जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर धर्म जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर धर्म जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर हिंदू जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप सभी को नेशनलिटी जो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर मातृभाषा यहाँ पर सारा चीज़ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर धर्म सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर बिहार ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद प्रखंड जो भी होगा आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से प्रखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है अपना एड्रेस, यानी कि फुल एड्रेस जो है अपना इस बॉक्स में फिलअप करना है। उसके बाद जो है अपना एरिया का पिन कोड जो इस बॉक्स में डाल देना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट से डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एरिया का पिन कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिलअप करना है, ईमेल आईडी फिलअप करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर दूरभाष संख्या जो यहाँ पर, यानी कि एसटीडी कोड फोन नंबर जो यहाँ पर दिखा रहा है, आपको ये भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद नीचे आना है। अब जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो आपका कौन सा कास्ट है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी, यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो ऑटोमेटिक रोल कोड रोल नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पर बीसी ही ले लिया। उसके बाद दिव्यांग यहाँ पर नहीं, नो आ गया। अगर आप दिव्यांग है तो यस करेंगे, अगर नहीं है, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पर जो आप यस करेंगे, अन्यथा जो आप नो करेंगे। यहाँ पर सारा का सारा ऑप्शन है। ये ऑटोमेटिक रोल कोड रोल नंबर डालने के बाद ये ऑटोमेटिक जो यहाँ पर फिलअप हो गया, यहाँ पर डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप सभी को समझना है, यही पर बहुत सारे स्टूडेंट जो यहाँ पर गलती कर देते हैं। आपको यहाँ पर किस कॉलेज में जो है एडमिशन लेना है, यहाँ पर एक नंबर पर उस कॉलेज को जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आप सभी को पता है, मैं पहले ही जानकारी दे दिया हूँ, कम से कम आपको 10 सेलेक्ट करना है, अधिकतम जो है आप सभी को 20 सेलेक्ट करना है, यानी कि अधिकतम 20 कम से कम 10। तक जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है उसको आपको एक नंबर पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो है यहाँ पर कॉलेज नाम जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कॉलेज नाम जो है यहाँ पर फटाफट से मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। काफ़ी यहाँ पर कॉलेज आ गया इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, जितना कॉलेज होगा यहाँ पर सारा का सारा कॉलेज आ गया। तो मैं फटाफट से इसमें खोज लेता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके मैं यहाँ पर 10 कॉलेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको नीचे आना है। अब फिर से जो यहाँ पर पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर नो करना है, और इस बॉक्स को और इस बॉक्स को, दोनों बॉक्स को टिक करना है, और नीचे आवेदन शुल्क
आपको नीचे आवेदन शुल्क 350 रुपये जमा करने हैं तो यहाँ क्लिक करें, इस पर जो आप सभी को क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को ओके पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, यहाँ पर आपको जैसे आप वेट करेंगे तो प्रकार से नेक्स्ट पेज जो यहाँ पर ओपन होगा, आपको ध्यानपूर्वक सारा के सारा जो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। उसके बाद जो अगर आपको कुछ भी त्रुटि है तो आपको बैक टू मॉडिफाई पर क्लिक करना है, अन्यथा आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है अगर सभी जो है यहाँ पर सही सलामत है तो। यहाँ पर जो है मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ, अगर आप एक बार कन्फर्म कर देते हैं तो फिर जो दोबारा इसमें कोई भी आप एडिट नहीं कर सकते, आपको जो है ओके पर क्लिक करना है, फिर से ओके पर क्लिक करना है। अब जो यहाँ पर इस फॉर्म को अब यहाँ पर कन्फर्म ये फॉर्म हो गया, अब इसमें आप कुछ भी जो यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते हैं, आपको ध्यान से जो इस फॉर्म को फिलअप करना है और ध्यान से जो है अपना स्कूल कॉलेज जो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो साइट जो है अब धीमी गति से वर्क करने लगा, अब मैं यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट कर लेता हूँ जब तक ये नेक्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं OTP फिलअप कर दिया हूँ, यहाँ पर आप सभी को सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर OTP नहीं जाएगा तो आपको फिर से जो यहाँ पर रीसेंट पर क्लिक करना है, आने की जो यहाँ पर सेकेंड चल रहा है जैसे हम यहाँ पर सेकेंड देख सकते हैं। तो यहाँ पर OTP फाइनली जो है आ गया है, तो मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर दिया हूँ और सबमिट पर क्लिक कर दिया हूँ। अब जो है आपको क्या करना है, आपके अब जो है आप सभी को इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, कांग्रेचुलेसन का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अब जो है आपको यहाँ पर पेमेंट करना है कितना, तो यहाँ पर 350 रुपये दिखा रहा है, अगर आपको इसमें GST लगता है तो आपको 358 रुपये जो यहाँ पर पेमेंट करना होगा। आपको यहाँ पर भुगतान का यहाँ पर जो है विकल्प सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास सहज वसुधा केंद्र है तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, अन्यथा आपको जो यहाँ पर सब पैसा जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सब पैसा सेलेक्ट कर लिया हूँ, उसके बाद प्रोसीड फोर पेमेंट पर जो आप सभी को क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड टू फोर पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अब जो आप सभी को पेमेंट करना होगा यहाँ पर 350 रुपये। अब जो यहाँ पर आप सभी को देख लेना है, यहाँ पर जैसे मैं देख सकते हैं आपको कौन सा ऑप्शन से पेमेंट करना है, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं या डेबिट कार्ड से या रुपए डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड दो प्रकार का होता है, डेबिट कार्ड और रुपए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग वॉलेट से भी आप कर सकते हैं, भीम UPI से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड से मैं यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद कार्ड पर जो भी नाम होगा उसका नाम डाल देना है, एक्सपायरी डेट और CVV नंबर डालकर आप सभी को क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब 361 रुपये जो आप सभी को करना होगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर कार्ड नंबर और सारा का सारा मैं फिलअप कर दिया हूँ। अब आप सभी को क्या करना है, पे नाउ पर जो आप सभी को क्लिक करना है और यहाँ पर मैं इसको सेव कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका जो है बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को इस बॉक्स में फिलअप करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी तक OTP नहीं आया। अगर OTP नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रीसेंट पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर अभी तक OTP नहीं आया है। तो फाइनली मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर दिया हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो आपको पेमेंट फंसने का जो है यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर अगर पेमेंट फंस जाएगा तो यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो आपको कुछ सेकेंड जो यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक ये प्रोसेस जो यहाँ पर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर जैसे पेमेंट होगा वैसे जो यहाँ पर एक प्रिंट आ जाएगा, आपको प्रिंट निकाल लेना है। तो जैसे मैं देख सकती हूँ यहाँ पर जो है प्लीज़ ट्राई लेटर, क्षमा करें हम इस आपके भुगतान को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ एरर आ गया जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली जो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है, पेमेंट कटने के बाद जो आप करने के बाद आपको एक प्रिंट आएगा, प्रिंट जो है आपको निकाल लेना है। फाइनली इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन आप घर बैठे कर सकते हैं।